रखें। आप सबका, अंग्राल में बसने वाले एक एक बंदे का और फिर पीपल्स पार्टी का, पीएसएफ का, पीवाईओ का और पीएलएफ का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि आज आपने एक तारीखी जलसा मुनक्कद करके एक बड़ा पैगाम जो दिया है वो पैगाम ये है कि हम वफाक पर यकीन रखने वाले, हम पाकिस्तान की मजबूती और खुशहाली पर यकीन रखने वाले, हम पाक चीन दोस्ती के बानी, पाक चीन दोस्ती को ताकतवर बनाने वाले आज दुनिया में खड़े होकर ये ऐलान कर रहे हैं कि ना पीटीआई में सख्त है हमारा मुकाबला करने की, ना नून लीग में सख्त है हमारा मुकाबला करने की, हम आज इलेक्शन जीत गए हैं। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर को अदारे दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटी दी, जहां से इलम की शम्में रोशन हो रही है और जहां गरीबों, मस्कीनों, किसानों, मजदूरों और मेहनत कशों के बच्चे और बच्चियां डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और स्कॉलर्स बन रहे हैं। हमने, पीपल्स पार्टी ने डुडियाल में अदारे थे, हम यहां स्वीट होम लाए, हम यहां नादरा का ऑफिस लाए, हमने महकमा माल का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करवाया, हमने यहां अवामी पार्क दिया, आज तक डुडियाल को कोई पार्क नहीं था, 130 किनाल से ऊपर रकबा डुडियाल के लोगों को पार्क के लिए दिया, हमारे दौर में वो पार्क मंजूर हुआ, हमने मिनी स्टेडियम दिया, हमने मुतद्दद तालीमी अदारे दिए और सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी आम आदमी की पार्टी है, पीपल्स पार्टी गरीब आदमी की पार्टी है, पीपल्स पार्टी दबे हुए, पिसे हुए, मजलूम तबकात की पार्टी है। और मैं एक आम आदमी, दुनियाल के तमाम आदमी, आम आदमियों का नुमाइंदा हूं, मेरे दिल दुनियाल के लोगों के दिलों के साथ धड़कता है और दुनियाल के लोग भी मेरे साथ हैं। हमारे बहुत से मसाइल, ये अभी जो पोस्ट ऑफिस वाले, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वाले जो जुल्म हमारे साथ कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान को होश के नाखन लेने चाहिए। मैं पाकिस्तान के उन मुक्तदिर अदारों से भी गुजारिश करूंगा कि देख लें पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्तों को बरकरार रखने में, मजबूत करने में आपका एक किरदार है। आप देखें कि नालायक और नाअहल लोग कश्मीरियों को पाकिस्तान से वंचित करने की कौन कौन सी साजिश कर रहे हैं। आज डाकखाने में, आज डाकखाने में जो हमने बुनियादी पैसे रखे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये डुडियाल से पैसे हमने डुडियाल के डाकखाने में जमा करवाए, उन्होंने कहा कि ये डुडियाल से हम पैसे नहीं देंगे। वो तमाम पैसे ले गए ऊपर, अब कहते हैं मीटर के चक्कर लगाओ और बायोमेट्रिक के जरिए वो पैसे देंगे। अब जब अकाउंट खुलवाया था तो उस वक्त तो किसी का भी बायोमेट्रिक नहीं था, अब बायोमेट्रिक की बात करते हैं। वो इस आड़ में आजाद कश्मीर के और खुसूसी तौर पर डुडियाल, मीरपुर और कोटली के लोगों के उन पैसों को जो डाकखाने के अंदर बुनियादी जमा है, उनको वो हजम करना चाहते हैं, उनको वो खाना चाहते हैं, उनका वो गफन करना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान के जिम्मेदारान से ये वाश का अल्फाज में कहता हूं कि जो डाक खाने वाला मसला है,
वो हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। पीपल्स पार्टी उस पर अपनी आवाज पाकिस्तान के ऐवानों में भी उठाएगी। हम अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मैं गुजर बकरवाल कबीला और माजरी जिनकी कुर्बानियों पर हमको फख्र है, जो हमारा मान है, जिन्होंने इस धरती के लिए और पाकिस्तान के लिए अपनी मां बाप की जमीनों को कब्रों को छोड़ा, पाकिस्तान की सरजमीन को चूमा, उनके तमाम निशाने लाई करेंगे। नारायण 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 भुट्टो अब से जाए तेरे जाओ निशान अब से जाए कदम को मंगला डैम मुतासरीन के लिए जरदारी साहब ने खसूसी तौर पर कहा था कि जो लोग एडजस्ट नहीं हो सके हैं, एक एक फैमिली बहुत बड़ी फैमिली बन चुकी है, उनके लिए अजाफी कुंभा जात, जो अजाफी कुंभा जात के नाम से उन्होंने कहा था कि प्लाट अलाट करवाओ, हुकूमत पाकिस्तान डेवलपमेंट में पैसे देगी, आजाद हुकूमत जगह फराम करेगी। हमारी हुकूमत ने वो जगह भी फराम कर दी थी, वापस उसके लिए काम करने के लिए भी तैयार था, लेकिन पिछली हुकूमत ने ऐसी बेवकूफी की, वो तमाम रकबा जो अजाफी कुंभाजात के लिए अवार्ड किया गया था उन्होंने वो डी नोटिफाई कर दिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि अजाफी कुंभाजात के जितने भी मसाइल है इंशाल्लाह अजीज उनको हल करूंगा, और जिन लोगों को प्लाट मिले हैं उस उन बस्तियों में भी जो उनका प्रॉब्लम है वो तमाम प्रॉब्लम इंशाल्लाह अजीज हम वो हल करेंगे। और इसके लिए वापटा और कश्मीरियों के दरमियान इस मंगला डैम के हवाला से सामन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और हमारी हाई कोर्ट ने भी इस पर फैसला दिया हुआ है। अगर हमारी हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं मानते, हमारा भी कोई मुतालबा नहीं मानते, तो हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, तो हम वहां पर भी जाएंगे। एक और हमारे अस्पताल में गायनी की वो सहूलतें मौजूद नहीं है जो हमारी जरूरत है। हमारी बहनों बेटियों और माओं को जिन अजीजों से वहां गुजरा उसका मुझे इदराक है। इंशाल्लाह अजीज अल्लाह ने मौका दिया तो डडियाल अस्पताल में दुनिया के सबसे जो मायारी गायनी सेंटर होते हैं इंशाल्लाह एक मुकम्मल गायनी अस्पताल वो वार्ड वहां पर दूंगा इंशाल्लाह। आज हमारे प्रोग्राम में कमर जमात कायरा साहब ने तशरीफ लाना था, नदीम असगर कायरा साहब ने तशरीफ लाना था, लेकिन उनकी खाला जान की फोतगी हो गई है जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। तकरीब के इख्तिताम में हम सब के लिए भी, हमारे मरहूमीन के लिए भी और हमारे शहदा के लिए भी और इस मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए भी खलीफा बशीर साहब खुसूसी दुआ फरमाएंगे। लेकिन आज हमारे इस प्रोग्राम में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ साहब ने भी तशरीफ लाना था और कादर पटेल साहब ने भी तशरीफ लाना था, लेकिन वो पिछले प्रोग्राम में लेट हो गए। वो प्रोग्राम उन्होंने 3 बजे ख़त्म करके 4 बजे यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन वो प्रोग्राम लेट हो गया है जिसकी वजह से वो लेट है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो उनका दीन से फिर भी मिलेंगे। मैं आपको जो एक वादा देता हूँ, जुबान देता हूँ मुझे कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो डडियाल के हर घर में जो बच्ची है, जो बच्चा है, उसको तालीम से रोशन और मुनव्वर कर दूंगा। आप मेरा साथ दें, 25 तारीख को तमाम लोग मुनज़्ज़म अंदाज से पोलिंग स्टेशन पर जाएं। हमारे पोलिंग स्टेशन के जो लीडर्स हैं वो पूरे तौर पर उसको मैनेज करेंगे। मैं आखिर में दुआ के लिए मुल्तमिस हूँ।